देश की राजधानी दिल्ली। इस दिल्ली में बसते हैं कई अपने ही किस्म के अलग अलग शहर। इसी दिल्ली के दिल में दफन हैं न जाने कितने ही राज। दिन की धूप में चिलचिलाती दिल्ली, सड़कों पर 120 की रफ्तार से दौड़ती दिल्ली, ये वो शहर है जिसने कुछ ही घंटों में कई लाख लाशों को गिरते देखा है। इतिहासकारों के मुताबिक दिल्ली और रोम का इतिहास एक सा ही है। दोनों ही खुद में एक अजीब सा रहस्य समेटे हुए हैं। ऐसे ही रहस्य की एक परत पर जमी धूल हम आज हटाएंगे, दिखाएंगे दिल्ली की रग रग से वाकिफ लोग भी कैसे अनजान हैं इस शहर के इस पहलू से, इस अनोखी जगह से। अगर आपकी दिलचस्पी है इस तरह की रहस्यमयी पहेलियों में, ऐसी अनजानी जगहों में, तो फौरन हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। दिल्ली और फरीदाबाद से सटा सूरज कुंड, इस जगह पर हर साल लगता है सूरज कुंड क्राफ्ट मेला। दिल्ली के लोगों में ये जगह खासी मशहूर है। कोई यहाँ सुकून खोजता हुआ आता है तो कोई लंबी ड्राइव के लिए। सूरज कुंड झील देखने के लिए भी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे जब हम आपसे कहें कि ये सूरज कुंड झील दरअसल है ही नहीं, या फिर अगर कभी थी भी तो सूख चुकी है। जिस झील को ढूंढते हुए लोग इस जगह आते हैं वो दरअसल है ही नहीं। झील और उससे जुड़े रहस्यों को बेपर्दा करने की तलाश में हम भी निकले। कुछ आगे जाकर हमें अपनी गाड़ी छोड़ देनी पड़ी। इस जगह पर ना गूगल काम कर रहा था और ना ही दिमाग। हम मजबूर हो गए किसी को तलाशने के लिए जो हमें यहां से आगे का रास्ता बता सके। यही हमें पहली बार मालूम पड़ा कि सूरज कुंड झील अब सूख चुकी है। बल्कि हमें ये बताया गया कि यहाँ एक दूसरी झील है जो कहीं ज्यादा बड़ी, ज्यादा खूबसूरत और कहीं ज्यादा खतरनाक है। सूरज कुंड के चौराहे से बाएं मोड़ने पर तकरीबन 3 किलोमीटर आगे पड़ता है अनंगपुर गांव। इस गांव में घुसते ही दाएं हाथ पर एक कोठी है जिसे यहाँ के लोग लाल कोठी कहते हैं। इस कोठी से ठीक पहले एक कच्चा रास्ता उतरता है। इसी रास्ते पर झील का असल सफर शुरू होता है। इस रास्ते से आगे आबादी बिल्कुल नहीं मिलती। अगर कुछ मिलता है तो बियाबान झाड़ियों का साथ और अकेलापन। यह रास्ता देखने में तो किसी आम पहाड़ी रास्ते जैसा ही लगता है, किसी मायने में उतना ही खूबसूरत भी, मगर बेहद खतरनाक। इस रास्ते पर कैमरे या किसी गैजेट को लेकर आना आपको खतरे में डाल सकता है। हम ऐसा बेवजह नहीं कह रहे। गुजरे वक्त में यहाँ कई हादसे हुए हैं जिनके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं, या फिर अगर जानते भी हैं तो बात नहीं करना चाहते। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे हमारी बेसब्री भी बढ़ती जा रही थी। हम काफी दूर निकल आए थे। अब शाम ढल रही थी और अंधेरे में इस जगह पर रुकना बेहद खतरनाक था। बल्कि यहां सिर्फ मौजूद होने पर भी एक अजीब सी खामोशी का एहसास हो रहा था, अभी अभी बंद हुए शोर की खामोशी जैसा। हम सड़क पर आगे बढ़ते रहे। थोड़ा आगे जाने पर हमारा सामना हुआ जंगल के बंदरों के झुंड से। इनमें से कई बंदर हमारी तरफ झपटे, मगर जानवर इंसान से बेहतर होता है। वो तब तक नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक उसे नुकसान ना हो। और आखिरकार हम उस झील तक पहुंच ही गए जिसकी हमें तलाश थी। इसे देखते ही ऐसा लगा जैसे किसी करिश्माई चीज को देखा है। तीन तरफ पहाड़ियों से घिरा कुदरती नगीना। इस झील को आसपास के लोग अनंगपुर झील के नाम से बुलाते हैं। झील के बारे में और तफ्तीश करने पर मालूम चला कि यहाँ किसी जमाने में खदानें थीं। फिर सरकारें बदलने का दौर चला और जैसा कि हमारे देश में होता है, बगैर किसी तैयारी के
यहाँ खुदाई बंद कर दी गई, मगर खदानों की वजह से निकला पानी यहाँ जमा होता रहा और फिर उस पानी ने इस झील की शक्ल ले ली। आपको बता दें कि बिल्कुल साफ दिख रहा ये पानी असल में एसिडिक है। इसमें नहाना, तैरना या फिर किसी भी तरह से इसका इस्तेमाल करना नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पहुंचने पर हमें कुछ और भी मालूम चला, वो ये कि इससे पहले यहाँ आए कई लोगों के साथ कई तरह के हादसे हो चुके हैं। एक तरफ जहाँ कई लोग घायल हुए तो कुछ के साथ हुई हैं अजीबोगरीब घटनाएं। जाते जाते हम आपको आगाह करते जाएंगे कि इस झील को देखने जरूर जाएं, मगर सावधानी के साथ, क्योंकि खूबसूरती अक्सर जानलेवा हो सकती है। हम कई और राज से भी पर्दा हटाएंगे। तैयार रहिए और फौरन सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।